दोस्तों, कांच एक कमाल की चीज है जिसका इस्तेमाल इंसान कई तरीकों से करता आया है, और यही कांच आजकल इंसानों और जंगली जानवरों के बीच की दीवार भी बन रहा है। यूं तो कांच की दीवार बहुत मोटी और मजबूत मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड किए गए जिनमें गुस्साए जंगली जानवर इस दीवार की मजबूती पर सवालिया निशान लगाते देखे गए। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे भी दृश्य देखने वाले हैं। गोरिल्ला का गुस्सा। दोस्तों, भले ही आप यह सोचते हो कि आपके और एक ताकतवर गोरिल्ला के बीच बना सुरक्षित बैरियर आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि गोरिल्ला एक बहुत ताकतवर जानवर है, और यह जानवर जब अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो कांच फटे या ना फटे पर आपकी जरूर फट सकती है और आपको डरने पर मजबूर कर सकता है। इस वीडियो में एक छोटी बच्ची चिड़ियाघर में कैद गोरिल्ला के मजे लेती दिखाई दे रही है। वो इंसान होकर भी गोरिल्ला जैसी हरकतें कर रही थी। उसकी हरकतें भले ही आपको प्यारी लगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चिड़ियाघर में कैद एक गोरिल्ला भी ऐसा ही सोचता हो। यहाँ यकीनन इस बच्चे की हरकतें गोरिल्ला को पसंद नहीं आई होंगी, और अच्छी बात यह रही कि इसके बाद गोरिल्ला का गुस्सा शांत हो गया। पोलर बियर अटैक। ग्लास पैनल्स तब और भी ज्यादा शानदार लगते हैं जब आप पानी के नीचे रहने वाले जीवों को देखना चाहते हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले जीवों को आप लोहे की सलाखों के पीछे से नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कांच के पीछे खड़े होकर सुरक्षित हों, खासकर तब जब एक पोलर बियर आप पर हमला करना चाहता हो, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी भालुओं की प्रजाति वाला जीव माना जाता है। इस वीडियो को एक बेसमेंट लेवल व्यूइंग गैलरी में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें ये शख्स पानी में तैरते एक पोलर बियर को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि पोलर बियर इंसानों से काफी ज्यादा तेजी से तैर सकते हैं और इंसानों की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पोलर बियर को ये दोनों इंसान शायद पसंद नहीं आए, इसीलिए वो पानी के ऊपरी हिस्से में गया और एक बड़ा सा पत्थर कांच की तरफ फेंक दिया। अपनी पहली कोशिश में शायद वो नाकामयाब रहा, लेकिन जब दूसरी बार उसने पत्थर डाला तो कांच में क्रैक पड़ गया, जिसे देखकर इन दोनों इंसानों ने यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई समझी। वैसे यह ग्लास इतना ज्यादा नहीं टूटा था कि इसमें से पानी बहकर आ सके, लेकिन यकीनन पोलर बियर अगर उसी स्थान पर दोबारा पत्थर मारता तो उसे यहाँ से भागने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं यकीन है तो आप करके देख लीजिए। शार्क का हमला। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि इंसान एक लोहे के पिंजरे में बैठकर समुद्र में जाते हैं ताकि वो खतरनाक शार्क मछलियों को नजदीक से देख सके, लेकिन इस शौक को आगे ले जाने के लिए कुछ लोग कांच के पिंजरे का प्रयोग करते हैं, जिसमें उन्हें 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। कांच के ये पिंजरे भी लोहे के पिंजरे जितने मजबूत माने जाते हैं, पर जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि दुर्घटना किसी भी हालत में हो सकती है। कांच के पिंजरे में खुद को कैद करने के बाद जैसे ये डाइवर पानी में उतरा तो उसने खुद को एक खतरनाक शार्क से घिरा हुआ पाया, जिन्होंने जैसे तैसे इस पिंजरे का दरवाजा खोल निकाला और दरवाजे पर अटैक करने लगी, जिससे दरवाजा खुल गया और यहाँ डाइवर को इसे बंद करके रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले के दौरान एक बार तो शार्क अपना मुंह तक दरवाजे में डाल देती है, लेकिन फिर कुछ देर तक डाइवर के दिल की धड़कनों को बढ़ा देने के बाद वो शार्क यहाँ से चली जाती है और डाइवर की जान में जान आ जाती है। बंदर का शातिर दिमाग। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों को कांच तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इस बंदर के शातिर दिमाग को देखकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ वीडियो में ये बंदर एक चिड़ियाघर में लगे कांच को तोड़ने के लिए एक नुकीले पत्थर से चोट मारता दिखाई देता है। पहली नजर में तो देखने वाले को इस बंदर की हरकत पर हंसी आती है, पर फिर वो देखते हैं कि बंदर इस नुकीले पत्थर को 2-3 बार ही कांच पर मारता है और कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है।
देखने वालों के साथ साथ ये बंदर भी ग्लास को इतनी सहजता से कूड़ता देखकर दंग रह गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि रास्ता मिलने के बावजूद कोई भी जानवर चिड़ियाघर से भागा नहीं, और बाद में यहाँ इससे भी ज्यादा मोटा कांच लगाया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।